साइंस, दिस इज योर होस्ट रचित पंगाल। आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा थोर की आज सेकंड वैक्सीन होनी है, जो 45 डेज के बाद जो सेकंड वैक्सीन होती है 21 डेज के गैप के बाद, वो वैक्सीन होनी है आज इसकी 8-in-1 जो बूस्टर लगना है इसको। तो अभी चल रहे हैं वेट के पास और वहां जाके दिखाऊंगा मैं आपको कि थोर को वैक्सीन लग रही है। और थोर ये बैठा, थोर ओए, थोर खेलता रहता है, इसकी पप्पी बाइटिंग की आदत ज्यादा है, वो उसकी ट्रेनिंग में चल रही है इसकी, उसको मैं कंट्रोल में करूंगा। चलो वहां जाके मिलते हैं आपको। तो थोर का सेकंड, ये जो फर्स्ट बूस्टर था ये लग चुका है थोर के, और अब हम घर की साइड जाने लग रहे हैं। मैं व्लॉग क्यों नहीं कर पाया हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि एक तो मेरे को मतलब कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि जो वैक्सीन लेके आनी थी, जैसे मैं शॉप से लेके आया वैक्सीन, तो वो वैक्सीन आपने बिल्कुल जल्दी से जल्दी उसको मतलब कि इसकी बॉडी में इंजेक्ट हो जाए ना, वो उतना ही फायदा है, क्योंकि वैक्सीन जो है बाहर ज्यादा देर तक रख दी ना तो वो खराब हो जाती है, उसका कोई यूज नहीं होता। फ्रीजर में रखते उसे, और उसको भी मेरे को उन्होंने दिया था तो एक पैकेट के अंदर वो जो आइस क्यूब्स होते हैं ना, आइस क्यूब्स के साथ दिया था ताकि वो खराब ना हो। और ये रहा थोर, आज थोर का वैक्सीनेशन कार्ड भी बन चुका है, दिखाता हूँ मैं आपको, और फिर आगे बाकी सारे इसको दिखाऊंगा, खोल के दिखाऊंगा आपको बाकी सारी चीजें, आप घर चल के बात करेंगे। अभी थोर भी थोड़ा परेशान हो रहा है। थोर ठीक है, थोर चले। तो 17 को थोर को वैक्सीन हुई है और आज 19 है, दो दिन बाद ये व्लॉग कंटिन्यू हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है वो मैं आपको वीडियो के इसके व्लॉग के लास्ट में दिखाऊंगा। तो अब बात करते हैं थोर की वैक्सीन। थोर की 17 को वैक्सीन करा दी हमने, सेकंड वाली जो वैक्सीन होती है वो 18-in-1 बूस्टर बोलते हैं उसे, शायद डॉक्टर कई डॉक्टर उसको बूस्टर बोलते हैं, कई उसको 18-in-1 भी बोलते हैं। तो थोर का वैक्सीनेशन कार्ड भी बन चुका है, ये रहा वैक्सीनेशन कार्ड। और ये लुआस पेट क्लिनिक, मैंने पिछली जो व्लॉग है उसमें मैंने आपको दिखाया था, जो हमारे यहाँ पे वेटनरी हॉस्पिटल है हिसार में। और ये चीज दिखाओ सबसे पहले, किसका है, किसका, थोर का। तो ये हमारे थोर द रॉटवाइलर का वैक्सीनेशन कार्ड है। तो इसमें मैंने सबसे पहले देखा जो पहला पेज था, खोलते ही इसका top 10 बेस्ट गार्ड डॉग ब्रीड्स, थर्ड नंबर पे अपना रॉटवाइलर है, देख लीजिए। तो मतलब पर मेरे को इसकी हरकतें तो लगती नहीं है थोर की, गार्डों में कोई भी कपड़ा पोछा मारते होंगे ना, मेड जैसे पोछा मारते हैं तो पोछा पकड़ लेता है, मेरे को नहीं लगता है गार्डों बनेगा इतना बढ़िया। पर ये मजाक है, छोटा बच्चा इसलिए कर रहे हैं, असली चीज तो बनेगा जब दिखेगी। पॉपुलर डॉग ब्रीड इन हरियाणा भी बता रखी है इसमें, ये देखो आप देख लो, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो जो देखना हो तो अगर आपको। अच्छा, इसका सेकंड पेज है डिवॉर्मिंग, डिवॉर्मिंग का रिकॉर्ड थोर का मैंने अभी डालूंगा, मैं डाल के नेक्स्ट वीडियोस में दिखा दूंगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट इसकी डिवॉर्मिंग हुई थी 8 को हुई थी इसकी लास्ट डिवॉर्मिंग, और अब 15 डेज बाद इसकी नेक्स्ट होगी वापिस। तो ये वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड इसका थोर का। वैक्सीनेशन इसकी पहली 27 को हुई है, और जो अभी नेक्स्ट जो आपने कराई है वो 17 को करवाई थी। तो ये देखो, ये वाली वैक्सीन हुई है इसकी। अब आज से मतलब 17 से 15 डेज बाद थोर की पहला रेबीज का इंजेक्शन लगेगा, और 17 से 21 डेज बाद इसका जो सेकंड बूस्टर है वो लगेगा। तो मतलब कि रेबीज के इंजेक्शन के 6 या 7 डेज के बाद इसका सेकंड जो बूस्टर है वो लगेगा। तो ये तो इसकी थोर की थी वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन मैंने पहले भी बताया था, मैं रिकॉर्ड क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि उसका रीजन मैंने पहले वीडियो में बता रखा है कि टाइम नहीं मिल पाया इतना ज्यादा। तो अब जो कई सारे दोस्तों ने ये रिकमेंड करी थी, रिकमेंड करा था, थोर इधर आ जा, थोर आ जा इधर आ। इसकी वैक्सीन हो चुकी है, देखो आप लोगों को भी बड़ा लग रहा है क्या, मेरे को लग रहा है बड़ा हो गया। और इसका वेट भी 3-4 दिनों में इसका 350 ग्राम बढ़ी गया, मतलब 6.5 किलो का हो गया था ये। जब आप हॉस्पिटल लेके गए थे, हमने चेक करा था इसका, तो इसका था 6 kg 150 या 200 ग्राम, अब इसका था 6 kg 500 या 550 ग्राम था इसका, मतलब थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा था। तो जो कमेंट्स में कई सारे दोस्तों ने ये कहा है कि थोर की हमने फुल डे डाइट देखनी है, तो वो वीडियो पे काम चल रहा है, वो मोस्ट प्रोबेबली कल आ जाएगी वीडियो थोर की, कि जिसमें सारे इसकी पूरे दिन की जो डाइट होती है जो मैं इसको देता हूँ, वो सारी चीजें उसके अंदर मैं कवर कर दूंगा।
वो सारी चीजें आ जाएंगी। और अब मैं बताता हूँ कि मेरे को 2 दिन का गैप क्यों लगा बीच में। आप देख सकते हैं मेरा रूम और स्टूडियो कंबाइन में बनाना चाह रहा हूँ इसमें, और इसमें कई सारे छोटे छोटे एक्वेरियम्स भी होंगे, जो मतलब कि ऐसे ही नहीं यार, एक पता है आजकल ज्यादातर क्या हो रहा है, लोगों का भी मतलब कि मन उतर जाता है एक्वेरियम से। क्यों? क्योंकि ना वो छोटा सा एक ले लेते हैं, कांच का टुकड़ा ले लेते हैं, उनको कोई नॉलेज नहीं होती, उसमें 2 डब्बे पानी डाल दिए, जो पेट शॉप वाले दे देते हैं 2 दवाई डाल दी, उनको ये नहीं पता क्लोरीन की कितनी मतलब एंटी क्लोरीन कितना डालना है, और वो ब्लू कलर की एक और जो एंटी इचिंग जो होती है दवाई जो होती है, कई बार फिश को व्हाइट स्पॉट्स भी हो जाते हैं उसके लिए जो दवाई होती है वो डाल देते हैं बिना पता कि कितनी डालनी कितनी नहीं। वो इतना सा कंटेनर ले लेंगे और उसके अंदर 10 मछलियां डाल देंगे और फिर कहेंगे, कई तो ऐसे शेर के बच्चे हैं कि वो एक्वेरियम में वो ही नहीं डालते कि फिल्टर वगैरह, ना फिर एयर स्टोन डालते, फिर वो कहते हैं कि 2 दिन तो मछली चलती है, 3रे दिन फिर मर जाती है, फिर वो ये कहते हैं कि भाई हमारी फिश मर रही है। तो किसी को कोई ज्यादा नॉलेज नहीं है अपने यहाँ पे आसपास, और जिनको नॉलेज है ना उनके एक्वेरियम इतने सुंदर है, वो यूं देखते हैं मतलब कोई बंदा उनको देखेगा ना कि ऐसे लगेगा एक छोटा सा इकोसिस्टम वहां पे क्रिएट है। तो हम मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक छोटा नैनो एक्वेरियम या तो शायद यहाँ रखूंगा, यहाँ नहीं क्योंकि यहाँ पे इसके बिल्कुल नीचे लाइट के नीचे हो जाएगा ना, या फिर मैं आपको 1 मिनट इधर आओ, इधर आओ एक बार, या फिर जैसे ये जो है मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ, ये मुझे बताना कि यहाँ पे मैं एक्वेरियम्स रखूं या फिर यहाँ पे अपना एक स्टूडियो टाइप बनाऊं, वो सब करके बताना। तो इसी के साथ हमारा व्लॉग खत्म होता है। आज के व्लॉग में कैसा लगा आपको व्लॉग, और कैसा अच्छा लगा तो लाइक करें, नहीं लगा तो डिसलाइक का ऑप्शन भी है, पर ज्यादातर लाइक ही कर देना अगर पसंद आया तो। और अब कई सारे वीडियोस अपने आने वाली है साथ के साथ, कल जैसे इसकी वीडियो आएगी थोर की डाइट की, और थोर देखो वहां पे थोर आया, कई सारी अब वीडियोस आएगी थोर की डाइट की भी और एक्वेरियम की जैसे मैंने बताया था, और पीछे भी पॉन्ड की मतलब सब चीज कंटिन्यू हो जाएगी अब। और आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब कराओ चैनल पे, ताकि एक और बहुत बड़ा सरप्राइज है, थोर जैसे ही सरप्राइज है वो भी आएगा, जब आप 50K हमारे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, अपनी 50K की फैमिली हो जाएगी, तब मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या चीज है, और तभी रिवील होएगा वो सरप्राइज, बहुत अच्छा सरप्राइज होगा, कुछ नई चीज आ सकती है अपने घर में, हिंट मैंने दे दिया है। तो इसी के साथ हमारा व्लॉग खत्म होता है, थैंक यू वेरी मच।